हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है रुपेश कुमार माथुर और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 11 टर्म 2 का एग्ज़ाम प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं, तो जिसमें पार्ट 7 का मैं वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करूँगा। तो क्वेश्चन है, संरचनात्मक भूविज्ञान क्या है और स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से आप क्या समझते हैं। तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, तो इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। अधिकांश चट्टानें सदैव अपने मूल रूप में नहीं रहती, ऐसा तो आप भी जानते हैं कि समय के परिवर्तन के साथ साथ चट्टानों की आकृति, साइज, शेप चेंज होते रहता है। तो जिस कारण से उनकी आकार जो हर समय बदलते रहती है, यानी परिवर्तन होते रहता है, उनमें या तो बलन यानी फोल्डिंग या भ्रंश यानी फॉल्टिंग की क्रिया होती रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार चट्टानों की संरचनाओं का अध्ययन संरचनात्मक भूविज्ञान का विषय है, यानी चट्टानों के संरचना के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, संरचनात्मक भूविज्ञान में, यानी स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर देखते हैं कि यह सेल मंडल के गर्भ तथा उसके सतही भागों पर क्रियान्वित होने वाली प्रक्रिया को उल्लेख करता है, यानी स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में सभी स्ट्रक्चरल जियोलॉजी सेल मंडल के गर्भ यानी सेल मंडल यानी जहाँ वैसे परत जहाँ पर सेल प्रचुर मात्रा में है उनके सतही भागों का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं और सेल मंडल में होने वाली क्रियाओं का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे वलन क्या होता है और वलन के भागों का वर्णन करने बोल रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि यहाँ पर टिक लगा हुआ है। तो देखते हैं इसका आंसर कि सेल संस्तरों में उत्पन्न मोड़ को वलन कहते हैं। सेल संस्तरों में उत्पन्न मोड़ को यानी फोल्ड, मोड़ का ही दूसरा नाम है वलन, तो उसको वलन कहा जाता है, ठीक है। मोड़ यानी जो इस तरह का मोड़ बन जाता है तो उसको वलन बोलते हैं, ठीक है। वलन के ऊपर उठे भाग को अवनति, जैसे इस तरह अभी बनाए थे ना इस तरह, तो ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है ना, ये ऊपर उठा हुआ भाग, तो ऊपर उठे हुए भाग को अवनति बोला जाता है तथा नीचे धसे हुए, ये जो नीचे धसा है ना, ये नीचे धसा है, तो नीचे धसे हुए भाग को अभिनति कहा जाता है, अभिनति, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं वलन के भागों पर हम लोग विचार करते हैं। तो अक्षीय तल, किसी वलन का वह काल्पनिक तल, ये काल्पनिक तल ऐसा वास्तव में होता नहीं है, ठीक है, जो पूरे वलन को दो बराबर भागों में, जैसे ये एक पूरे वलन है तो इसको देखिए, ये पूरे बराबर भागों में बांट रहा है, यानी बांटने वाले तल को हम अक्षीय तल बोलते हैं, ये इस तल को हम अक्षीय तल बोलेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं अक्ष रेखा किसको बोलते हैं। अक्षीय तल के संस्तरों को जिस रेखा पर काटता है, यानी अक्षीय तल के संस्तरों को जिस रेखा पर काटता है, तो ये एक रेखा जैसा बन रहा है, यानी इस रेखा पर काट रहा है, तो उसको हम अक्षीय रेखा बोलते हैं, ठीक है, और उसे अक्ष रेखा बोलते हैं। और ये रेखाएं किसी भी वलन में क्षैतिज, ये क्षैतिज भी हो सकता है, चाहे यदि इस तरह का यदि झुका हुआ रहेगा तो इसको झुका हुआ, या उद्दग्र यानी ऊपर की ओर, या इसको जिस तरह अभी बताते हैं ये ऊपर की ओर उठा हुआ भी हो सकता है। तो इस तरह का अक्ष रेखाएं की स्थिति हो सकती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वलन के भागों को पाद या लाइम्ब या पार्श्व कहा जाता है। पाद या पार्श्व, इसको भागों को, किसके भागों को, वलन के भागों को पार्श्व या पाद कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, तो इसको पहले इसको लेग और स्लेप, पहले पाद या पार्श्व को हम लोग पहले लेग या स्लेप बोला जाता था, लेकिन अभी पाद और पार्श्व कहा जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं, फिर हो गया आपका ऊंच भागों के मिलने से बनी रेखा को शीर्ष रेखा कहा जाता है, यानी क्रिस्टल लाइन, यानी जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा है कि इस तरह का जो, जिस तरह हमने पहले तरंग के बारे में वेव में पढ़ा था कि इसको क्रस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं, उसी तरह क्रस्ट मतलब क्रिस्टल लाइन इसको बोला जाता है, शीर्ष को, और नीचे तल को द्रोणी, और इसको जो द्रोणी इसको बोला जाता है, ठीक है, ट्रफ लाइन। तो इस तरह ये हो गया। फिर देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भ्रंश क्या है और भ्रंश का वर्गीकरण करने बोल रहा है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इस पर भी डबल टिक लगा हुआ है, तो इसको भी डिस्कस करते हैं। भ्रंश क्या है, तो भ्रंश यानी फॉल्स, यानी कहीं पर क्रैक्चर यानी फ्रैक्चर पड़ जाता है ना, भ्रंश फ्रैक्चर हो जाता है, यानी उस तरह भ्रंश उसको बोला जाता है। वे रचनाएँ जिनके
तल पर संस्तर के दो विभिन्न भाग एक दूसरे से दूर हट जाते हैं, यानी एक तल है, ये एक पूरा तल है, तो ये बीच से टूट गया और ये एक इधर भाग रहा है और ये एक इधर भाग रहा है, चाहे यही स्थिर है और ये इधर भाग रहा है, यानी एक दूसरे से अलग भागने का प्रयास करता है, एक ही तल है, देखिए एक ही तल, ठीक है। देखिए जिनके तल पर संस्तर के दो विभिन्न भाग एक दूसरे से दूर हटते हैं, ठीक है। तो फिर देखते हैं कि शिला संस्तरों की भांति भ्रंशों की नति तथा नतिलम को नापा जा सकता है। इसके नतिलम को हम नाप सकते हैं, नतिलम यानी जो नीचे वाला हिस्सा रहता है उसको नतिलम्ब बोला जाता है। तो इस तरह का हम इसके नतिलम को नाप सकते हैं, ठीक है। इसके एंगल को, जिसे नति कोण को, इसको नति कोण बोलते हैं, और नति कोण को पूरक हेड या उन्नमन कहा जाता है, ठीक है। उन्नमन देखिए ऊपर की ओर देख रहे हैं, यानी उन्नमन इसको बोला जाता है, ठीक है। और फिर देख रहे हैं कि 90 डिग्री यानी 90 डिग्री अंश में नति कोण घटा देने पर हेड कोण मिलता है, हेड कोण, ठीक है, इसको हेड कोण भी बोला जाता है, ठीक है। और क्षैतिज सतह से बनने वाले कोण नति कोण कहे जाते हैं। फिर क्षैतिज सतह से बनने वाले कोण, क्षैतिज सतह से देखिए कोण बन रहा है तो इसको नति कोण बोलते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं भ्रंश का वर्गीकरण, ये भ्रंश के बारे में हो गया जानकारी, अब भ्रंश का वर्गीकरण को हम लोग देखेंगे। तो अनुक्रम भ्रंश पहला भाग, पहला इसका वर्गीकरण में पहला हिस्सा हो जाएगा भाग अनुक्रम भ्रंश। तो अनुक्रम भ्रंश क्या होता है, तो वह भ्रंश जिसमें एक ओर की शिलाएं, जैसे मैंने बताया था ना इस तरह का, ये एक ही संस्तर का एक तल है, तो ये यदि बीच से टूट रहा है तो एक, या मान लेते ये स्थिर है ये वाला, तो ये यही वाला गति करेगा यानी इधर उधर भागेगा। तो इसमें बोल रहा है कि एक ओर की शिलाएं अपने मूल स्थान से नीचे की ओर, ये नीचे की ओर चली जाती है, तो इसको हम अनुक्रम भ्रंश बोलते हैं, ठीक है। जब नीचे की ओर भागेगा तो उसको अनुक्रम भ्रंश बोलेंगे। फिर देखते हैं कि अब उत्क्रम भ्रंश, तो वह भ्रंश जिसमें एक ओर की शिलाएं मूल स्थान से अब ऊपर की ओर भागता है, तो उसको हम ऊपर की ओर चढ़ जाता है, तो उसको उत्क्रम भ्रंश बोलते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं नमन भ्रंश, ठीक है, या इसको आप समांतर भ्रंश भी बोल सकते हैं। तो वह भ्रंश जिसमें एक ओर की शिलाएं मूल स्थान से समांतर की ओर, जैसे एक ये है तो ये बीच से टूट गया तो ये समांतर की ओर भागेगा, तो उसको हम बोलेंगे नमन भ्रंश, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अनुदैर्ध्य भ्रंश, तो वह भ्रंश जिसमें एक ओर की शिलाएं मूल स्थान से लंब की ओर जाता है, जैसे ये है तो ये लंब यानी ऊपर की ओर जाएगा, लंब की ओर जाता है, ठीक है, ठीक है। या फिर ये इस तरह से भी जा सकता है लंब, जैसे ये चार नंबर है तो चार नंबर के लिए ये हो गया, जिसको अनुदैर्ध्य भ्रंश वो बोलते हैं, और फर्स्ट नंबर के लिए ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, फिर सेकंड नंबर के लिए ये हो गया, फिगर है सबके लिए जिस तरह मैंने आपको अभी समझाया, और थर्ड नंबर के लिए ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अब ये तो चार भाग हमने पढ़ लिया है, तो अब तिर्यक भ्रंश किसको बोलते हैं, तो वह भ्रंश जिसमें एक ओर की शिलाएँ न तो समांतर भागती है और न ही लंब दिशा की ओर विस्थापित होती है, ठीक है, तो बल्कि तिरछी, ये तिरछी चली जाती है, तो तिरछी खिसकती है, ठीक है, तो तिरछी खिसकती है तो उसको हम तिर्यक भ्रंश बोलते हैं। तो ये था आपको, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया, आप वीडियो को दो तीन बार दोहरा करके देख सकते हैं, काफ़ी आसान है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसका PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपना कॉपी में लिख सकते हैं, चाहे अभी उतना टाइम नहीं है तो पढ़ लीजिए, ठीक है, PDF को ही पढ़ लीजिए, काफ़ी है। तो बस आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कॉमेंट बॉक्स में बताइए, और यदि थोड़ा सा भी वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ तो लाइक करें वीडियो को, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस उतना ही कहने के बाद मैं अपने, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, धन्यवाद।